हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 26 अक्टूबर 2018 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन, जितने भी बन सकते हैं 26 अक्टूबर 2018 से। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पेन और पेपर हो तो आप उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को पेन और पेपर पे जरूर लिख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक करके जरूर बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप लाइक कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो ये है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्त की घोषणा किस क्रिकेटर ने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्त की घोषणा की है, यानी कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जो ये ड्वेन ब्रावो थे, ये एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, ये ऑलराउंडर थे। तो यहाँ से आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो ड्वेन ब्रावो थे वो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। कहाँ के थे? वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, यानी कि वेस्ट इंडीज की टीम के लिए खेलते थे। यहाँ पर अब बात हुई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की, तो आपको ये जानना चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है उसको कौन रेगुलेट करता है। जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होता है उसको रेगुलेट करता है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसके लिए आपको आप पता होना चाहिए कि जो ICC है इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर है दुबई, और इसके जो चेयरमैन है वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। और जो भारत में क्रिकेट के जितने भी मैच होते हैं जो घरेलू, उसको जो गवर्न करता है या जो रेगुलेट करता है वो करता है BCCI। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और BCCI के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं CK खन्ना। तो इतने क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि सतीश के गुप्ता। सतीश के गुप्ता को हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो पेटीएम जो ऐप है उसी की एक बैंक है। और यहाँ से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो पेटीएम कंपनी है उसकी पैरेंट कंपनी का क्या नाम है। तो पेटीएम है कि जो पैरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, और पेटीएम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश शहर में। इससे जो वर्तमान में, यानी कि जो अब लेंगे, जो चार्ज लेंगे CEO और MD वो होंगे सतीश के गुप्ता। इससे पहले जो थी CEO और MD वो थी रेणु सती। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने, और विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ग्लोबल एग्रीकल्चर शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया। इसको हिंदी में ये भी कहते हैं कि वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018, वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब आपको दिमाग में ये बात पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल एग्रीकल्चर शिखर सम्मेलन है ये किस लिए हुआ और क्यों हुआ। तो ये जो हुआ ये इसलिए मनाया गया कि जो सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आमदनी यानी कि आय को दुगुना करने का, उसी पे विचार विमर्श, उसे उसकी पॉलिसी व नीतियों को विचार विमर्श करने के लिए ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ से दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दुगुना करने का, उसकी अंतिम तिथि क्या है। तो उसकी अंतिम तिथि है 2022। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो भारत के वर्तमान कृषि मंत्री हैं उनका नाम है राधा मोहन सिंह वर्तमान भारत में कृषि मंत्री हैं। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक या फादर कहे जाते हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जीके में
भारत में हरित क्रांति के जनक या फादर किसे कहा जाता है, तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में AI संचालित ग्राहक सेवा ऐप खुशी किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सबसे पहले AI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी बेस्ड एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है खुशी। तो आपको बताना किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है PNB मेट लाइफ, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। जो PNB मेट लाइफ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई शहर में है, ये भी आपको याद रखना है। इस ऐप की मदद से क्या होगा, तो जो PNB मेट लाइफ के जो ग्राहक हैं, इस ऐप के थ्रू जो सभी सेवाएं हैं PNB मेट लाइफ की, वो एक ही स्थान पे प्राप्त कर सकेंगे। इस जो खुशी ऐप है, इसका बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के इस मामले से निपटने के लिए GOM, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री, GOM का गठन किया गया। इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करेगा? तो इस मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है केंद्रीय गृह मंत्री। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है राजनाथ सिंह। और इसके साथ साथ दो और तीन और मंत्री होंगे, वो कौन कौन से होंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री जो हैं सीतारमन, और एक होंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं मेनका गांधी। तो ये चार लोग इस जो ये परिषद बनाई जा रही महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिए, तो इस परिषद में चार मंत्री होंगे, जिसके जो हेड यानी कि जो जिसको हेड होंगे उस जो मंत्री जो मंत्र परिषद उसका जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये याद रखने कि जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर से लोकसभा सांसद हैं। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, वो नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बेंगलुरु से राज्यसभा सांसद हैं और जो लोकसभा सांसद हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं मेनका गांधी, वो पीलीभीत से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत में कब से BS4 वाहन नहीं बेचा जाएगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि BS4 क्या है। तो BS4 का फुल फॉर्म है भारत स्टेज 4। तो अब कौन से वाहन बेचे जाएंगे, अब बेचे जाएंगे BS6 भारत स्टेज 6 2000। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 अप्रैल 2020, यानी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद अब भारत में भारत स्टेज 4 की जगह पे भारत स्टेज 6 वाले वाहन बेचे जाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारत स्टेज क्या है। जो गाड़ियों में इंजन होता है उससे जो धुआं उत्सर्जित होता है, उसके जो मापदंड के लिए पैमाने बनाए जाते हैं वो भारत स्टेज पे मापे जाते हैं। तो पहले जो इंजन यूज होते थे भारत स्टेज 4 मापदंड के यूज होते थे, अब यूज होंगे 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत स्टेज 6 मापदंड के। सरकार ने जो 5 भारत स्टेज 5 था उसको स्किप कर दिया, डायरेक्ट भारत स्टेज 6 पे आ गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2020 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नई दिल्ली में स्पार्क्स के वेब SPAC स्पार्क के वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो शुभारंभ किया वो किया प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर भारत के मानव विकास संसाधन मंत्री हैं। तो जो ये स्पार्क्स वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो पोर्टल का नाम है, फुल फॉर्म है वो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबरेशन। आपको हम फिर से रिपीट कर देते हैं, स्कीम P फॉर प्रमोशन ऑफ, A फॉर एकेडमिक, R फॉर रिसर्च, C फॉर कोलेबरेशन। अब इस पोर्टल के तहत क्या होगा आपको मैं बता दूं, इस पोर्टल के तहत ये होगा कि जो भारत के उत्कृष्ट यानी कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, उनको विदेशों के जो सबसे उत्कृष्ट संस्थान उनसे जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से भारत के इन संस्थानों में शोध और रिसर्च के कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 10वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये जो उद्घाटन किया गया है 10वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का, ये किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, ये भारत में सरकार के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ये जो जितेंद्र सिंह है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से लोकसभा सांसद हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर मध्य महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो तारापुर महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था अमेरिका की सहायता से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया है? तो आर्य सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ये भी पूछा जा सकता है कि किस शहर में आयोजन किया गया? तो इस सम्मेलन आर्य सम्मेलन का जो महासम्मेलन हुआ ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया किस देश में? तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया वो किया गया चाइना, यानी कि जो इसका राइट आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है, कार्गो ड्रोन है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फी होंग 98, जिसको 60 में बोल रखा गया नाम FH-98, फी होंग 98 या 60 में FH-98। ये जो ड्रोन है 1.5 यानी कि 1.5 टन किलो का सामान ले जा सकता है 1200 किलोमीटर दूरी तक। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है हो सकती है वो 180 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने। अब यहाँ पर बात हुई है चीन की, तो चीन से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। चीन जो है वो ईस्ट एशिया का एक देश है। चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, और चीन की जो राजधानी उसका नाम है बीजिंग। चीन की जो मुद्रा है वहाँ दो मुद्राएं चलती, एक युआन दूसरा रेनमिन। और चीन की में जो सबसे बड़ा शहर है चीन का उस वो है शंघाई, और शंघाई में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 2014, 15 और 16 के लिए सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो आपको बताना कि ये जो 2014, 15 और 16 के टैगोर पुरस्कार हैं किसको दिए गए हैं, दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि ए बी सी तीनों को, ए बी सी तीनों को। तो इसमें आपको ईयर याद रखना है 2014 को दिया गया है राजकुमार सिंहजीत सिंह को, जो कि एक मणिपुरी नृत्यक हैं। दूसरा 2015 का, 2014 का राजकुमार सिंहजीत सिंह को, और 2015 का छाया नौत को। छाया नौत एक बांग्लादेश की सांस्कृतिक संगठन है। और 2016 का दिया गया श्री राम बनजी सुतार को, जो कि एक महान मूर्तिकार हैं। तो आपको एक क्रम याद रखना है 2014 का राजकुमार सिंहजीत को, 2015 को का दिया गया छाया नौत संस्था को जो कि बांग्लादेश की संस्था है, और 2016 का दिया गया है श्री राम बनजी संतूर को। अब आप यहाँ पे बात हुई है टैगोर पुरस्कार की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जो टैगोर पुरस्कार है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यादगार में 150वें जन्म दिवस के रूप की यादगार में 2012 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था 2012 में, उसके बाद 13 में दिया गया, और 2014, 15 में, 16 में नहीं दिया गया था। तो अब तीनों पुरस्कार इस साल दिए जा रहे हैं। दूसरा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो पुरस्कार था, जो इसमें जूरी थी, उस जूरी में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो जो टैगोर पुरस्कार घोषणा की गई उस जूरी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भी शामिल थे।
तो ये थे सभी आज के यानी कि 26 अक्टूबर 2018 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे उतने मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर पता हो गया होगा कि हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 10वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन हैदराबाद, नोएडा, नई दिल्ली और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए अब इस वीडियो का क्विक रिवीजन कर लेते हैं सिर्फ 30 सेकंड के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन ये था कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की, तो इसका जो राइट आंसर है ड्वेन ब्रावो, जो कि एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। दूसरा क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसे नियुक्त किया गया है किसे, सतीश के गुप्ता को, और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके जो संस्थापक वो हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एग्रीकल्चर शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AI संचालित ग्राहक सेवा ऐप खुशी किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया PNB मेट लाइफ द्वारा। अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए GOM जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज का गठन किया गया, तो इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करेगा, तो इसका नेतृत्व करेंगे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत में कब से भारत स्टेज 4 वाहन नहीं बेचा जाएगा, तो ये 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 4 के जो वाहन है वो नहीं बेचा जाएगा, इसके बाद भारत स्टेज 6 के वाहन बेचे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में स्पाइस के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया या किसने किया, तो ये किया प्रकाश जावड़ेकर, भारत के मानव विकास संसाधन मंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 10वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया, तो यह उद्घाटन किया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया किस देश में, तो यह किया गया चीन देश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2014, 15, 16 के लिए सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई किसको, तो 2014 का राजकुमार सिंह जीत को, 2015 का छायानौ संस्था को जो कि एक बांग्लादेश की संस्था है, 2016 का श्री राम बनजी सुंतार को। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको तैयार हो गए होंगे, और आपको ये अगर करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए एग्जाम फॉर्म अकेडमी को, तो आपको ऐसा नीचे रेड बटन दिख रहा होगा उस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे डेली सुबह 3 बजे डेली का करंट अफेयर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके जरूर हमको बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।